तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और टूडे में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 1.5% की करीबन की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 221 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड है, मतलब गिरता हुआ। लगातार स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनाएगा वो 220 रुपीज के पास बन रहेगा। 220 रुपीज पर पहले भी स्टॉक इस प्राइस को रिटेस्ट कर चुका है। यहां तक कि स्टॉक का जो लो है वो 218 रुपीज का भी बनाएगा, पर निचले लेवल पर स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिली है। अब इस स्टॉक के अंदर जो नीचे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 220 रुपीज का मान के चलना है आपको, और ऊपर के टारगेट 227 रुपीज है। अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है तो आप 220 रुपीज का स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट 227 रुपीज। 227 रुपीज अब इस पॉइंट पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी समय से देखें तो स्टॉक 227 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, और साथ के साथ 44 डेज का जो मूविंग एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है वो भी 227 रुपीज है। अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग बनाता है तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर ट्रेंड जो है वो चेंज होगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड यानी रिवर्सल होगा। ऊपर के टारगेट लॉन्ग टर्म के नजरिए से बात करें तो 240 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं।